संबल दिन दहाड़े मुठभेड़, पशु तस्कर बदमाशों में मुठभेड़। अमरोहा से सैयद नगली का शातिर पशु तस्कर है चांद और इसके दो साथियों में चल रही पुलिस से मुठभेड़। दोनों तरफ से फायरिंग, गोवंश पशु काटने की कर रहे थे जंगल में कोशिश। पशु तस्कर चांद और दो इसके साथी मुठभेड़ के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में चांद की टांग में लगी गोली, दोनों साथी भी कॉम्बिंग के बाद गिरफ्तार। तीन अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल, एक बछड़ा बरामद। मुठभेड़ में एक कांस्टेबल की भी लगी गोली। पशु तस्कर और कांस्टेबल को भेजा उपचार के लिए अस्पताल। एसपी चक्रेश मिश्रा, एसपी आलोक कुमार जैसवाल, सीओ जितेंद्र कुमार ने सूचना के बाद संभाला मोर्चा। थाना असमौली के मंसूरपुर माफी के नजदीक का मामला। थाना असमौली में ये मंसूरपुर माफी चौकी क्षेत्र में गौ तस्करों के साथ अभी सुबह पुलिस की मुठभेड़ हुई है। यहाँ पर हम लोग की रात में हम लोग पेट्रोलिंग लगा रहे हैं जिससे कि कोई लोग गौ तस्करी ना कर सकें। आज सुबह ये कासिम, मोहसिन और चांद, ये तीन लड़के ये बछड़े के साथ में यहाँ पर पकड़े गए। इनको जब घेरने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में इनमें से जो चांद है उसके पैर में गोली लगी है, उसको उपचार के लिए भेज दिया गया है। बाकी दोनों भी मौके पर गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से एक मोटरसाइकिल, तीन अवैध शस्त्र, कुछ कारतूस और एक बछड़ा बरामद हुआ है। इस बछड़े को गौशाला भेजा जा रहा है, साथ में अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इनके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। चांद का आपराधिक इतिहास पता चला है, ये सैयद नगली का रहने वाला है और वहीं से इसका आपराधिक इतिहास है। बाकी दोनों जनपद संभल के निवासी हैं, उनकी भी आपराधिक इतिहास की जाँच की जा रही है। धन्यवाद।